ओ भाई मैंने कितना मजा किया। 100 हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? आप सब और भाई आया रात नहीं यार, बड़े 3-4 बजे आया, ये सो रहा है अभी भी, सो रहा है सुस्त आदमी हमारा, कहा अभी सो रहा है। इसकी क्लासेस थी होती है जो लगानी होती है, इस चक्कर में कहीं जा नहीं पाता था मैं, अभी आ चुका है, अपनी क्लासेस लगाएगा, हम फ्री हैं और मुँह हाथ धोने उसके बाद ही मिलते हैं। तो हेलो जी, उठ गया, नहा हाथ मुँह धो लिए, गोरा चिट्टा हो गया हूँ फेस वॉश से। अब मैंने जाना मार्केट, पहले वेट चेक करना है, वो वेट को पुराने वेट से कंपेयर करना है कि कितने किलो वन कम किया। मेरे हिसाब से मैंने 4 किलो किए हैं, क्योंकि पिछली बार जब मैंने वेट चेक किया था मेरा था 116 था, बट शो 115 कर रहा था, मेरे को इतना याद है। उसके बाद आज वेट चेक करके आना तुम्हारे भाई ने, मार्केट जाना है, वेट चेक करना है, फिर आके तुमसे बात करते हैं। It's usually used for moths and other creatures like that, but I twisted the meaning around and used it as a metaphor to describe my track, which is about improvement and moving towards a better version of yourself. So for that reason, the track has a very uplifting feel and also kind of acts as a showcase of how far I've come with my music. Yeah, hope you all enjoy. Oh fuck. 112 700 भाई, सही है यार, ये भी सही है भाई। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, मैंने कितना मजा किया, 116 था, 112 हो गया, नियर अबाउट 4 किलो। ओ भाई, एक महीने में 4 किलो विदाउट शुगर। बाकी बातें घर जाके करते हैं, एक आधा सामान ले ले मार्केट से, एक तो ठंडाई का सामान लेना है, वो ले लूँ अभी अभी जाके, वो लेके मिलता हूँ। तो हेलो जी, तो हम घर आ गए, हमने अपना वेट चेक कर लिया, बज रहे सुबह के 11, 1 अप्रैल, वजन मेरा कम हुआ 4 किलो, बड़ा ही सही लग रहा है, हो गया शुक्र है भगवान का, किस भगवान ने कृपा रखी मेरे पर, वजन कम किया। जो मैंने पहले वेट देखा था अपना 1 तारीख को, वो मैंने ऐसे ही देखा, मैं गया रैंडमली, खाली पेट था, रैंडमली गया शॉप पे, मैंने कहा चल वेटिंग स्केल तो पड़ा, चल चेक कर लेते हैं कौन सा मेरे पैसे लग रहे हैं, उस पर लिखा भी 3 है। मैंने चेक किया तो मैंने कहा 116, वो भाई मैं कहा वेट ज़्यादा हो गया पहले से, मतलब लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था 2021 मार्च में, मेरा वेट था नियर 85 और 98 के बीच में था, 98 हाँ 90 और 95 के बीच में ही था मेरा वेट, मेरे को याद है। तो पूरा लॉकडाउन हुआ, खाया पिया जो खाना है खाला, खा लिया जब मेरा मन करता मैं खा लेता था, छोले भटूरे समोसे तो मैंने बहुत खाए पिछले बार भाई पूरी लॉकडाउन में। इस अगर मेरे को कभी लग रहा है कि लॉकडाउन लगेगा तो मैं इस लॉकडाउन सोच रहा हूँ मैं स्लिम ट्रिम हूँ थोड़ा सा, बट नहीं देखते हुए जो होता देखा जाएगा। और इसका एक्सपीरियंस बड़ा सा था, सही रहा मेरा, कि पहले 7-8 दिन तो एकदम मस्त चिल्ड आउट, कुछ नहीं भाई, भूख लग रही, थोड़ा पेट कर रहा था कि भाई ला कुछ खाने को, जो 4 बजते थे भाई चल समोसे खा के आते हैं, चल कुलचे खा के आते हैं, बट मैंने कंट्रोल कर लिया उस मुश्किल से। उसके बाद जैसे 11वां दिन स्टार्ट हुआ, 11वां 12वां दिन स्टार्ट हुआ, 11th 12th डेज स्टार्ट हुआ, तो भाई बड़ा ही गलत काम हुआ, मुझे क्रेविंग होने लगी मीठे की, और बेसिकली मैं इतना मीठा कम खाता हूँ, सिर्फ केक खा लिया, ब्राउनीज खा ली या ये सब चीज़ें खा लेता हूँ, बट उस टाइम ऐसे लग रहा था कि जलेबी मिल जाए जलेबी खा लूँगा, समोसे अपना ये क्या कहते हैं अमृती मिल जाए वो खा लूँ, रसमलाई खा लूँगा, और रसमलाई में कोई अच्छी लगती नहीं है, सिर्फ उसका दूध दूध अच्छा था मलाई का वो खा लेता हूँ, बट वो पीस होता वो अच्छा ही लगता था नहीं क्यों, स्पंजी रसगुल्ला खा लूँ, भाई इतना गंदी गंदी क्रेविंग हुई कि भाई ये खा लूँ वो खा लूँ ये खा लूँ, बट तुम्हारे भाई ने बिल्कुल नहीं खाया, मैंने चीनी भी नहीं खाई, मेरे को थोड़ा सा शायद खा लेता था, क्योंकि मेरे को किसी ने कहा था अगर मीठे का मन करे थोड़ा मतलब उंगली डिप की थोड़ी सी लगा के खा लिया उससे थोड़ा नॉर्मल रहता था, मेरे फेस जो अंदर का मुंह का टेस्ट है बिल्कुल ही किसी का डेड हो चुका है, अब मेरे को टेस्ट ही नहीं आता कुछ भी चीज़ का, डेड टेस्टलेस हो चुका है। और क्या था, बस यही था, यही पंगे लिए मैंने पूरे इस 1 महीने की जर्नी में, और बीच में मैंने चैनल भी स्टार्ट कर लिया अपना, ये 24-25 को मैंने स्टार्ट कर लिया, वैसे रैंडमली स्टार्ट कर लिया मैंने कि चल जो होगा देखा जाएगा बना लेंगे वीडियो, तो भाई रैंडमली मैंने चैनल स्टार्ट कर लिया 24 तारीख को स्टार्ट किया, फिर 2-3 वीडियो पड़ी थी मैंने वो डाल दी, मेरा शौक था वैसे, मैं स्नैपचैट पे पंगे लेता रहता था, बातें करता था वैसे फालतू की बातें, तो मैंने कहा क्यों ना अपने एक्सपीरियंस शेयर कर लेते, जैसे बीटेक में मैंने क्या क्या फालतू से काम किए, कैसे पंगे लिए, कितने यार दोस्त हैं, यार तो ज़्यादा नहीं है मेरे, यार तो मेरे कम ही बट है जो ना वो एक एक पीस है, मतलब जैसे कहते हैं एकदम एक के ऊपर एक आइटम है, अभी तक वापस से रिएक्ट मैंने कहा नहीं पापा को कि मैंने अब तक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, इसके बाद मे बी मैं पापा को पूछूंगा
कि क्या उनका इनिशियल रिएक्शन है कि भाई मैं ये सब क्या कर रहा हूँ, क्यों नहीं, क्योंकि वो मना नहीं करते कोई चीज़ को, उन्होंने तो इनके इसके लिए नहीं कभी मना किया मेरे को, तो इसके लिए क्या मना करेंगे, बट तो भी पूछना बनता है। मेरा मोस्ट प्रॉब्ली ये है कि आज मैं गुजिया खा लूँगा, एक बड़ा मन कर रहा है क्योंकि मेरी माता की हाथ की गुजिया बड़ी सही होती है, और होली पे मैंने एक भी नहीं पूछा ना, एक दाना भी नहीं खा के देगा, और मेरा खाने का बड़ा मन कर रहा है गुजिया, खाऊँ ना खाऊँ ये सोचो उसका टेंशन, पर्टिकुलर मीठा वाली होती है, बट मेरे लिए मम्मी ने तीन चार ऐसी स्पेशली बिना चाशनी वाली होती है ना, जैसे चाशनी तो समझते हो गए यार, नहीं समझ तो गूगल कर लेना भाई, क्योंकि मेरे तार हिल चुके हैं, तो मेरा मन बहुत कर रहा है खाने का, तो बिना चाशनी वाली मम्मी ने बनाई नॉर्मल सी कम मीठे वाली, बट मैंने वो भी नहीं खाई क्योंकि सोचा था 1 तारीख को खाएंगे, और आज है 1 तारीख, और आज तुम्हारा भाई एक तो गुजिया खाएगा ही खाएगा जो मर्जी हो जाए, और मैं सोच रहा था मैं ब्राउनी भी खा लूँ, बट नहीं वो नहीं खाएंगे, आज गुजिया खाएंगे सिर्फ, आज के लिए उस गुजिया रखेंगे, और आज के बाद देखते हैं अगर मन किया, अगर मैं गया भाई दफे खन्ने गया तो मैं वहाँ पे पैटी खा के आऊँगा, एक खन्ने की पैटी जो है भाई बड़ी स्वाद, पता नहीं क्यों, आओ अंकल लिमिटेड बनाते हैं, जैसे बनाए 20-30 पीस बनाए, बीके फिर 20-30 पीस बनाएंगे, और गरम गरम उनकी खा के आने में आह क्या मज़े आते हैं भाई, तुम भूल जाओगे, वैसे तुमने पैटी नहीं खाई होगी कभी, तो मैं जा रहा हूँ भुजिया खाने मिलते हैं।